तो हम लोग चौकड़ी से आए थे गंगोली हाट हम लोग आए तो गंगोली हाट में एक है फेमस माँ काली का टेम्पल, कालिका देवी का। तो चौकड़ी से करीब ये था 45 किलोमीटर जो डिस्टेंस हमने तय किया। रोड वाला मैंने आपको दिखाया नहीं। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो मंदिरों के सीरीज में हम लोग पहले गए थे आपके कोटगाड़ी माता के मंदिर, अब नेक्स्ट हम लोग आए हैं कालिका माता के मंदिर। अब ये कालिका मंदिर जो है ये काफ़ी फेमस है पूरे कुमाऊँ रीजन में, और कलकत्ता से तक लोग यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। कलकत्ता में जैसे कालिका माता की पूजा होती है, वैसे ही यहाँ पे हाट कालिका मंदिर है गंगोली हाट में। तो ये मंदिर का मतलब सबसे बड़ा क्या है, मंदिर आर्मी वालों का है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आर्मी वाले कोई भी युद्ध करने से पहले इसी मंदिर से मैं पूजा करके जाते हैं। उनकी विजयादशमी के दिन जो शस्त्र पूजा होती है वो भी यहीं होती है। बहुत सारे कुमाऊँ स्काउट के गेट हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मंदिर का रास्ता है, धीरे धीरे मंदिर पहुंचने के बाद आपको मंदिर का पूरा परिवेश भी दिखाता हूं, तो ब्लॉग पे पूरा बने रहना। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिवस के पापा भी आर्मी में थे। कौन से कुमाऊँ में थे? 17 कुमाऊँ, हमारे गाँव में 17 कुमाऊँ में, 6 कुमाऊँ में, 7 कुमाऊँ में, बहुत सारे बंदे। तो कुमाऊँ रेजिमेंट जो मतलब जिसका हेडक्वार्टर है रानीखेत, और कारगिल के युद्ध में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभा रखी है कुमाऊँ रेजिमेंट में। ये मतलब क्या होता है कि जब वो कौन सी सेना होती है जो पहले लगी होती है, बाद में लड़ने के लिए जाते हैं कुमाऊँ रेजिमेंट वाले, तो कुमाऊँ है पहले इन्फेंट्री लगी होती है, इन्फेंट्री इसको बोलते हैं ना। तो मतलब जब BSF लगी होती है, कभी ऐसा कोई युद्ध वाला हिसाब किताब होता है, हाँ पहले CRPF और BSF लगी रहती है। जब कोई युद्ध का कुछ माहौल बनता है तो कुमाऊँ रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट, ये 4 रेजिमेंट ऐसी हैं जो मतलब उस वक्त युद्ध के लिए जाती हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा शहीद इन्हीं के लोग होते हैं, मतलब पूरे उसमें देश की रक्षा। तो उन्हीं का ये मंदिर है पूरा, जैसे ये हम लोग अभी बैठे हैं इस पर, ये शू स्टैंड है पूरा, यहाँ पर जूते उतारने हैं। तो ये देखिए, ये बनाया है किन्होंने, तो यहाँ पर ये 2005 में बनाया हुआ है सूबेदार मेजर बहादुर सिंह अधिकारी ने, कनिष्ठधारी गणेंग समस्त बहादुर जाना के सहयोग से ये 8 कुमाऊँ वालों ने बनाया हुआ है। तो 8 कुमाऊँ, हाँ 8 कुमाऊँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 13 राष्ट्रीय राइफल कुमाऊँ द्वारा संपेट पानी का जैसे इन्होंने बनाया हुआ है, और हाँ उधर 17 कुमाऊँ वालों ने उधर धर्मशाला बनाया हुआ है। सामने देखिए मिजोरम के जो वीर शहीद हैं उनके, भदुरिया के जो वीर शहीद हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, और भदुरिया के वीर शहीद भारत पाक युद्ध 1971 में देखिए कितने सारे लोग उसमें शहीद हो गए। तो ये पूरा 17 कुमाऊँ के जो शहीद हुए थे उन्होंने उनके सबके नाम लिखे हुए हैं, और ये लोग मतलब शहीद हुए थे, और इसकी उनकी याद में 17 कुमाऊँ ने यहाँ पे धर्मशाला का निर्माण किया हुआ है। तो ऐसे ही मतलब जो बहुत सारे गेट हैं, जैसे ये गेट 1907 में किसी ने बनाया होगा, तो ऐसे ही यहाँ पे पूरा कुमाऊँ रेजिमेंट का ये पूरा मंदिर है हाट कालिका का। तो आप ये सामने देखते हैं, ये 15 RR ने बनाया हुआ है, और ये 7वीं कुमाऊँ ने बनाया हुआ है ये विश्राम स्थल, और ये बनाया हुआ है कुमाऊँ स्काउट ने, मतलब ऐसा सब जगह कुछ ना कुछ कुमाऊँ ने बनाया हुआ है। तो ऐसा कुछ मंदिर का परिवेश है, साथ में हनुमान जी का मंदिर भी है माता जी के मंदिर के साथ, और यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है, अंदर भी शिव जी का मंदिर है, ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। जो मतलब ये जो निर्माण था वो शंकराचार्य जी द्वारा किया गया था। यहाँ पे शक्तिपीठ अपने आप स्वयंभू मतलब अपने आप प्रकट हुए हैं, जिसका मतलब निर्माण उन्होंने करवाया शंकराचार्य जी ने। बाद में क्या हुआ, मंदिर को एक बाबा जी हैं उन्होंने मंदिर में बैठना स्टार्ट किया होगा, और साथ में मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि कुमाऊँ रेजिमेंट वालों का जैसे नारा रहता है माँ कालिका वाला, तो वो इन्होंने उस मंदिर को अडॉप्ट कर लिया, और जितना यहाँ पर डेवलपमेंट का काम था वो कुमाऊँ रेजिमेंट ने ले लिया, और वो लोग आते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, और साथ साथ में डेवलपमेंट यहाँ पर कराते रहते हैं। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत सारी दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमारा पूरा इतिहास दिखाता है। जैसे ये है,
ये जो है मंदिर में एक घंटी लगी हुई है, कालिका माता की जय। ये एक ऐतिहासिक घंटी वीर बरारियों ने पाकिस्तान के रावलपिंडी सन 1918 में लाकर माँ कालिका को अर्पित की थी। जब वीर बरारी सैनिक युद्ध में फतह हासिल कर समुद्र के रास्ते भारत लौटे तो अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आया, जिससे वीर बरारी सैनिकों को ले जा रहे जहाज में कंपन हो गई। जहाज डूबने से बचाने का प्रयास विफल हो गए तो सभी वीर बरारी ने हार कालिका का स्मरण किया और प्रार्थना की। तब माँ हार कालिका के पास से जहाज स्वाभाविक ढंग से सुरक्षित किनारे पहुँच गया। अपनी श्रद्धा का प्रमाण देते हुए वीर बरारियों ने यह घंटी नंगे पाँव हार कालिका मंदिर पहुँचाई और माँ कालिका को समर्पित किया। मतलब दो कुमाऊँ को वीर बरारी बोलते हैं, तो ये घंटी उन्होंने यहाँ पर ऐसे लाई थी। ये बहुत पुरानी घंटी है, यानी कि 1918 में ये घंटी पाकिस्तान से लाई गई हुई घंटी है। देखिए तो ये ऐसा कुछ है, ये है पांच कुमाऊँ का ऑल रैंक, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है डी जॉय। ये है थ्री कुमाऊँ राइफल्स का। तो ऐसा मतलब पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे जो है कुमाऊँ रेजिमेंट द्वारा किया गया हुआ है अपना अपना, क्योंकि उनकी ये उनके मतलब समझ लो कि आप उनकी हाँ जय कालिका माता युद्ध घोष है, उसी युद्ध घोष के द्वारा माँ कालिका की वो लोग पूजा करते हैं और मतलब आते हैं और डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ नज़ारा। और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के गंगोली हाट में स्थित ये मंदिर से 2 या 3 किलोमीटर है गंगोली हाट की बाज़ार से, और हल्द्वानी से करीब 230 किलोमीटर का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कालूगाम, वहाँ से कुछ डिस्टेंस ऐसी होगी। तो आप आ सकते हैं यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छी लोकेशन पर फिर से। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड इसे आग की तरफ फैला दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग।